हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी सीआरपीएफ में टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में, तो दोस्तों 9000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी में आप लोगों ने सफाई कर्मचारी में फॉर्म अगर अप्लाई किया है, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आपको सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट पास करना है जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, मैं बता दूँ दोस्तों, तो सीआरपीएफ की 9000 पोस्टों में हर स्टेट से सबसे अधिक वैकेंसी सफाई कर्मचारी की है। लगभग टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हो 811, 811 पोस्ट पे सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी है। बाकी दोस्तों जो बगलर की जो पोस्ट आई थी 1340, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। इसकी जो भी ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है आपको। अब नीचे की ओर मैं आप लोग को एक चीज़ समझा देता हूँ कि सफाई कर्मचारी का दोस्तों कॉम्पिटिशन थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों इसके हर स्टेट से सबसे ज़्यादा बच्चे इसको इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, चाहे सीट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई बच्चे यही सोच के करते हैं कि सफाई कर्मचारी का पेपर भी इजी होता है, साथ ही साथ सफाई कर्मचारी में ट्रेड टेस्ट भी इजी लिया जाता है। लेकिन मैं बता दूँ, सीआरपीएफ का सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना बहुत ही हार्ड है, क्योंकि आपको वहाँ पर सफाई करके दिखानी होती है, आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल लिया जाता है, ठीक है? तो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लेंगे, अधिकारी लोग बैठे रहेंगे आपके सामने, और आप लोग को जो है कि उसे पास करना है, क्वालिफाई करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि हल्के में ले रहे हैं कि सफाई कर्मचारी मैं इजीली पास कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताता हूँ जो पिछली बार सफाई कर्मचारी का जो ट्रेड टेस्ट हुआ है उसमें क्या क्या पूछे गए थे, क्या क्या सवाल किए गए थे, तो वीडियो पूरा देखना। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की ओर। सफाई कर्मचारी में सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, सफाई कर्मचारी में यूज़ होने वाले जितने भी आपके सामान हैं आपको उसका नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये झाड़ू है, ये पोछा है, ऐसे नहीं। जो उसका नाम है, ऑथेंटिक नेम है, मतलब उसका हिंदी में नाम और अंग्रेजी में। सबसे पहले दोस्तों झाड़ू को क्या बोला जाता है, ठीक है? झाड़ू, झाड़ू को दोस्तों इंग्लिश में ब्रूम बोला जाता है। उसके बाद पोछा, पोछा को मॉप। उसके बाद अगर किसी कांच पे कोई गंदगी लग गई है तो उसको हम किस चीज़ से साफ़ करते हैं, तो वो होता है स्क्रबिंग ब्रश। अब स्क्रबिंग ब्रश में दोस्तों दो जगह पे भी आते हैं। अगर ये स्क्रबिंग ब्रश कपड़े साफ़ करने में भी यूज़ होता है और ये कांच साफ़ करने में यूज़ होता है। उसके बाद कचरे को उठाने वाली चीज़ को हम बोलते हैं डस्टपैन। उसके बाद फेदर डस्टर, फेदर डस्टर दोस्तों आपने ज़रूर देखा होगा, ये दोस्तों हर एक जगह पे यूज़ होता है। ये आपकी गाड़ियों में भी यूज़ होता है, जहाँ पे जाले वाले लग जाते हैं या फिर हल्की जहाँ पे धूल मिट्टी होती है, सिर्फ उसको सफा साफ़ करने में आप फेदर डस्टर का यूज़ करते हैं। बकेट, बाल्टी बहुत ज़रूरी है, बिना बाल्टी के कोई भी साफ़ सफाई नहीं हो सकती। बाल्टी आपको पोछा मारने के लिए भी चाहिए, सफाई के लिए भी चाहिए, हर जगह के लिए। उसका दोस्तों गंदगी को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो दोस्तों डस्टबिन के अगर आप वहाँ पे लगा दें तो गंदगी आप रोक सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे दोस्तों जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए सफाई के लिए, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन में अगर आपने फॉर्म डाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप चक्षु पब्लिकेशन की सीआरपीएफ की बुक ले सकते हो, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टडी गाइड के नाम से जो बुक आई हुई है सीआरपीएफ की, आप इसे ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेस्ट और भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत है, अगर आपके पास एक बेस्ट बुक रहेगी तो आप एक बेस्ट स्कोर कर सकते हैं और अपनी सीआरपीएफ में जगह बना सकते हैं। तो बुक में दोस्तों आप लोग को पूरा यहाँ पे समझाया गया है, पूरा आप लोग देख सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर भी दिए गए हैं सिलेबस के साथ, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर ईजिली और आसान भाषा में जो बुक है वो उपलब्ध है। 2 बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बुक आई हुई है, आप जाकर इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है? चलते हैं दोस्तों अपने सीआरपीएफ के ट्रेड टेस्ट के पीडीएफ के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड जो पैराग्राफ है इस पे दोस्तों मैं बता दूँ कि काफ़ी सारे कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार सफाई में जो लिक्विड क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सफाई के लिक्विड में दोस्तों अगर बता दूँ, अगर आपको कांच की सफाई करनी है तो उसमें हम कॉलिन यूज़ करते हैं, तो कॉलिन दोस्तों सबके घर में होता है। दूसरी चीज़, अगर किसी आप सफाई कर रहे हैं तो आप कौन कौन से इक्विपमेंट आप पहनोगे, तो एक तो दोस्तों सफाई का आपका जो ड्रेस आता है वो एक अलग आता है। दूसरा दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों इसका क्या नाम होता है और ये कहाँ यूज़ होता है, तो दोस्तों इसे हम वाइपर बोलते हैं। इसको पानी और जो गंदगी है उसको साफ़ करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको मैंने आपको बताया दिया था, ये डस्टपैन है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्क्रब, ठीक है? स्पंज स्क्रब। अगर इस तरफ से दोस्तों हम जो सफाई करते हैं, कहीं पर दाग है उसको साफ़ करने के लिए। बाकी दोस्तों ये जो जगह होती है, इस तरफ वाली जो जगह को हम लोग स्पंज बोलते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसको हम किसी भी चीज़ को ईजिली, अगर कोई झाग वाग वगैरह है तो उसे हम वहाँ से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे आप डिटर्जेंट लिक्विड या फिर अगर आप
पोछे में कौन सा लिक्विड मिलाते हैं, ठीक है, तो उसका नाम पता होना चाहिए, जैसे वो डेटॉल हो गया, लाइजॉल हो गया, कोई भी डिसइंफेक्टेंट हो गया दोस्तों, जिसे हम पोछे में लगा करके घर को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड दोस्तों मैंने आपको जितना बताया है आप उतना पढ़ लो। तो अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग झाड़ू बनाना सीख लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से पिछली बार झाड़ू भी बनवाया गया था कि अगर ये झाड़ू खुल जाती है तो इसको बांधना कैसे है। तो झाड़ू बांधने की जो वीडियो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़रूर लाइक करना। जय हिंद।